सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं विश करती हूँ कि जितने कलर्स हैं वो सारे कलर्स आपके जीवन में हो, और हार्दिक बधाई होली की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई फेस्टिवल आता है तो उसको सेलिब्रेट करना अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जो मेरे वेल विशर्स हैं, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ में जो ये सेलिब्रेशन्स होता है तो उससे मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। इसके लिए मैं ये सारे अरेंजमेंट करती हूँ। मुझे भोजपुर इंडस्ट्री के काफ़ी कलाकार, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक अलग रूप होता है उनको, उनके लिए थैंक्स बोलने का कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते, इतनी सराहना करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो ये छोटा सा मैं कोशिश करती हूँ कि सभी लोगों के दिल में उतरूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। ये मेरा रेनबो गर्ल्स का बैंड है जिसमें हम लोग शोज़ वगैरह करते हैं। इसमें 7 लड़कियाँ हैं, 2 सिंगर हैं, 5 परफॉर्मर्स हैं हम लोग। और अभी हम लोगों ने काफ़ी शोज़ भी किए हैं, मुंबई में किया है, बाहर भी किया। अभी हम लोग बहुत ही जल्द भाईदास हॉल और द क्लब में हमारे मई और जून की प्लानिंग है। तो ये अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे डांस बहुत पसंद है तो ये अदर एक्टिविटीज़ मैं करती रहती हूँ ताकि मैं अपने डांस की कला से जुड़ी रहूँ और खाली समय का सही उपयोग करूँ। ये सारी चीज़ें बहुत पावर देती है कि मैं और मेहनत करूँ। मुझे अच्छा लगता है कि फिल्म की शूटिंग्स भी कर रही हूँ, फिर इसके बाद में रेनबो बैंड है हमारा, इसकी मीटिंग्स है, इसके रिहर्सल्स है। ये सब करके एक संतुष्टि होती है कि आप अपनी कला को एक अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेम विद्रोही तो काफ़ी टाइम से रिलीज़ के लिए तैयार है, टकराव है रिलीज़ के लिए तैयार है, और अभी हाल ही में मैंने तू ही तो मेरी जान है राधा की शूटिंग कम्प्लीट की है, और राधे रंगीला की शूटिंग कम्प्लीट की है। सर्वशक्तिशाली महादेव की शूटिंग अभी बाकी है, और एक हिंदी फिल्म है साथ में, एक साउथ की फिल्म है, तो ये सब अभी कंप्लीट होने पर है और आ रही है धीरे धीरे। प्लैनेट भोजपुरी।